सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर रानी मुखर्जी का बयान जो है बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला सामने आया था। वो बयान एक बफर से चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें रानी ने आर्यन खान के बारे में बात की थी। आज भले ही आर्यन खान को लेकर तमाम ऐसे बयान सामने आए हैं उनके ड्रग मामले में, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दो गुट में फैंस बढ़ गए हैं। एक तरफ शाहरुख खान के फैंस हैं जो कि काफ़ी दुखी हैं उनके बेटे के इस तरह की हरकत से, दूसरी तरफ शाहरुख खान के बेटे ने ऐसा कुछ किया होगा ये यकीन नहीं कर रहे हैं लोग, और सपोर्ट में शाहरुख और आर्यन खान के खड़े हैं क्योंकि ड्रग टेस्ट में आर्यन की बॉडी से ड्रग्स नहीं मिला। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री भी दो गुट में बट गई है। एक तरफ तमाम बड़े कलाकार जो शाहरुख खान के लिए एनसीबी पर निशाना साधते नजर आए, दूसरी तरफ कंगना रनौत जो कि काफ़ी ज़्यादा आर्यन खान को गलत भी मानती नजर आई। अब रानी मुखर्जी का वो स्टेटमेंट क्या था जो काफ़ी चर्चा का विषय बना था, आपको बता दें रानी ने एक बार एक टॉक शो में जो है सो स्टेटमेंट दिया था, और रानी मुखर्जी ने कहा था, आर्यन यूज टू प्ले इन माई आर्म्स, यू प्रोड्यूस द वेरी गुड लुकिंग चिल्ड्रन। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की तारीफ करते हुए रानी मुखर्जी ने कहा कि आर्यन को तो मैं अपने गोद में खिलाया करती थी, वो अपने मेरे गोद में बैठकर वो मेरे कंधे पर लिख कर खूब खेला करते थे। शाहरुख खान आर्यन खान के बड़े होने जाने के बाद भी हैंडसम लगते हैं और आर्यन इतने हैंडसम हैं। रानी मुखर्जी का कहना था कि उनके बेटे तो बहुत हैंडसम हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे काजोल और रानी दोनों ने इस बारे में बात की थी। आज वो रानी आर्यन के जेल जाने के बाद आखिर क्यों इस तरह से चुप है, क्योंकि रानी मुखर्जी की चुप्पी भी अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। इसी कारण से रानी मुखर्जी के फैंस ये जानकर ज़रूर हैरान एक बार फिर से होंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि वाकई में रानी मुखर्जी का चुप रहना भी आर्यन खान के ड्रग मामले में शाहरुख को तो तकलीफ दे ही रहा होगा, क्योंकि चुप्पी भी ये कहती है कि वो इस मामले से दूरी बना रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।